grinding hard on the job. Can't take that from us. Are you ready? Is you ready? मार्वल की एक और मूवी कह लो या फिर इसको एक वेब सीरीज कह लो, खैर जब ये 19 मार्च को रिलीज होगी डिज्नी प्लस पे तभी हमें पता चलेगा कि मूवी थी या फिर एक सीरीज थी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा द फॉल्कन एंड द विंटर सोल्जर जो ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसे डिज्नी प्लस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा 19 मार्च को, उसके बारे में। और अगर मैं इसके 2 मिनट के ट्रेलर को कंपेयर करूं इस पूरी वेब सीरीज के, वांडा विजन की पूरी वेब सीरीज के साथ जो अभी तक 5 एपिसोड आ चुके हैं, तो यार मैं यही कहूंगा यार इसके 2 मिनट के एपिसोड ने दिल जीत लिया। और वो वांडा विजन के जिसके अभी 5 एपिसोड आ चुके हैं यार, सच में मैंने उसका 5th एपिसोड अभी तक नहीं देखा यार। मन नहीं कर रहा कि जिस ढंग से वो रिप्रेजेंट की गई है, हाँ बेशक कई लोगों को वो पसंद आई है, लेकिन होता है ना कि यार हम उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या रीजन आ रहा है सामने, लेकिन यार वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लग पा रही है। फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के केवल 2 मिनट के इसके ट्रेलर ने इतना ज्यादा प्रभाव डाला, इतना ज्यादा असर डाला कि यार मुझे दिल खुश हो गया। कह सकते हैं कि हाँ अब मार्वल ने हम जैसे लोगों के लिए जिनको ये वांडा विजन की जो सिटकॉम इसके अंदर कॉमेडी की जा रही है जिस तरीके की, वो उन लोगों को पसंद नहीं आ रही और जो अलग ही मतलब सोच रहे थे कि कुछ अलग से होगा, उन लोगों के लिए खुशी की बात ये है कि ये वाली जो मूवी या जो सीरीज है वो कमाल की होने वाली है। वैसे एक बात है, कैप्टन अमेरिका सिर्फ एक ही बंदे को शील्ड देकर गया था, लेकिन यहां पर ये 2 बंदे बारी बारी इसका यूज कर रहे हैं। देख रहे हो भाईचारा कितना, इसको कहते हैं फ्रेंडशिप यार। और जो ये ट्रेलर आया है इसको देखकर जितना मुझे पता चला है कि जो इसमें विलन होने वाला है वो है डैनियल, जो एक आपको देखने को मिला था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में, जिसने कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन को आपस में लड़वा दिया था। अब वो क्यों लड़वा दिया था, क्योंकि यार उसकी जो फैमिली है अल्ट्रॉन, जो वहां पर अवेंजर अल्ट्रॉन के ऊपर जहां वो आया था, अल्ट्रॉन आया था जिसने अटैक किया था, स्कोवियन एक इसकी फैमिली होती है जिसमें उसकी फैमिली मर जाती है, अपना बदला लेने के लिए, अवेंजर से बदला लेने के लिए इसने कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन को लड़ा दिया था। अब वो बंदा फिर से इस मूवी के अंदर वापस आया है। इस मूवी को देखकर आपको कैप्टन अमेरिका मूवीज की बेशक याद आने वाली है, क्योंकि इसमें जो फाइटिंग सीन है या फिर जो इसके जो डायरेक्शन है उसी तरीके का हमें देखने को मिल जाता है। जो फाल्कन है और जो विंटर सोल्जर है, इन दोनों की केमिस्ट्री यार स्टार्टिंग में जो दिखाया जाता है और इसके एंडिंग में जो सीन हमारे सामने आता है कि दोनों एक दूसरे को घूर नहीं रहे, वो एक दूसरे की आंखों में आगे डाल के बैठे ताकि सबसे पहले कौन जो है वो पलकें झपकाएगा, आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन करने की बात की जा रही है कि भैया तुम्हें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है, सही ढंग से काम कर लो। और इन दोनों के बीच में मतलब जिस तरीके का एक्शन दिखाया गया है, इन दोनों के बीच में जो कॉमेडी दिखाई गई है वो बहुत कमाल की थी यार। That wasn't so hard. Are you ready? Hey, is you ready? Ready? Okay. You say you ready. What are you doing? Whole squad ready. Are you having a staring contest? Huh? Are you ready? Ready? Is you ready? Just blink. Sweet Jesus. I mean, how old are you? अब देखने वाली बात तो ये है कि डैनियल जो है वो कैसे अपने फैमिली का बदला लेता है इन अवेंजर से, ये दो अवेंजर हैं, इनसे कैसे वो अपनी फैमिली का बदला लेते हैं। वैसे एक चीज देखोगे तुम कि डैनियल एक बिल्कुल नॉर्मल सा इंसान है, उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन दिमाग बंदे के पास बहुत भाई बहुत आई है। इसने कहां से वो चीजें खोद कर निकाली थी, मतलब इसने आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका को लड़वा दिया था कि भाई सोचो जिसके पास पावर नहीं वो ये सब कर चुका है और वो फिर से वापस आ रहा है। उम्मीद तो मुझे ऐसी लग रही है कि वही है डैनियल, क्योंकि इसके ट्रेलर में जिस तरीके का वो लुक हमारे सामने आया है उससे देखकर पता चलता है कि हाँ ये डैनियल है। और एक नई साजिश कह लो या फिर एक नई मतलब जो भी है इनको तोड़ने के लिए ये फिर से वापस आ रहा है। साथ ही साथ इस मूवी के अंदर या फिर जो इस सीरीज के अंदर हमें कुछ नए एक्शन देखने को मिल जाते हैं जैसा इसमें दिखाया गया है ट्रेलर के अंदर। यार आप क्या सोचते हैं इस ट्रेलर के बारे में, प्लीज कमेंट करना कि आपको कैसा लगा, बेशक अच्छा ही लगा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।